हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप अपनी किसी भी HTML पेज में मल्टीपल रीड मोड और रीड लेस वाले बटन्स को बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें मैं पूरी प्रॉपर कोडिंग आपको बताऊँगी कि कैसे आप अपने HTML के पेज में रीड मोड और रीड लेस का बटन बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सिंपल अपनी स्टार्ट करते हैं हम अपने पेज को बनाना। ओके, पहले हम अपने HTML पेज का बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इसमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके आप मल्टीपल रीड मोड और रीड लेस बटन अपनी वेबसाइट में या अपने HTML पेज में डाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका बॉडी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने स्टार्ट करेंगे।
आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कंटेंट इसमें लिख सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पर छोटा सा ही कंटेंट लिया है। अभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने इन डॉट्स का क्या यूज़ किया है और ये किस लिए बेनिफिशियल है हमारी रीड मोर और रीड लेस वाले बटन की इस कोड में। हम एक बटन क्लास ले लेते हैं रीड के नाम से, देन रीड मोड, और बटन को क्लोज कर देते हैं। रीड को क्लोज कर दिया, देन हम यहाँ सेक्शन को क्लोज करते हैं। उसके बाद बॉडी को क्लोज करते हैं। Close HTML. अब फ्रेंड्स, इस पूरे जो हमने कोड लिखा है ये हमारे लेआउट है एक तरीके का, हमारी बॉडी है कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए अपने HTML पेज में। चलिए इसे सेव कर लेते हैं। इसे हम सेव कर लेते हैं रीड के नाम से ही सेव कर लेते हैं, रीड .html के नाम से इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। read.html के नाम से हमने इस फाइल को सेव कर लिया है। अब हमें इस फाइल को रन करना है, तो चलिए इस फाइल को रन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसे हमने read.html के नाम से सेव कर लिया है। अब हम इस फाइल को रन करके देखते हैं कि हमारी कैसी सीट बनकर आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे .html फाइल बन गई है, तो इसे देखते हैं हम। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि हमने इसमें कोई CSS नहीं डाली है और इवन अभी तक हमने इसमें कोई JavaScript भी नहीं डाली है। यहाँ पर हम एक और रीड मोड का बटन स्टेबलिस्ट करते हैं। मैं इसी वाले डिव क्लास को दोबारा से कॉपी करके अगेन यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ, एंड इसमें हम कर देते हैं बाइक। ओके, और इसका कलर दे देते हैं हम इसे ब्लैक। ओके, सेव किया, देन हम देखते हैं इसे, हमने रिफ्रेश किया पेज को। आप यहाँ देख सकते हैं ये आ तो गया, बट हमें अभी ये देखने में बिल्कुल अच्छा लगता है, तो हम इसमें पहले इसकी CSS डाल देते हैं। CSS आपको पता ही है, हमें स्टाइल शीट, या तो आप एक स्टाइल शीट बना लीजिए अलग से और उसका रेफरल डाल दीजिए, या फिर आप अपने सेम HTML पेज में भी स्टाइल को कोड कर सकते हैं। तो हमें हेड टैग के अंदर स्टाइल को लिखना होता है। चलिए स्टाइल टैग को ओपन करके क्लोज कर लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर इसे छोटे में कर लेते हैं, ताकि हम इसके रिजल्ट साथ ही साथ देखते भी रहें और उसे करते भी रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉडी की हम इसमें देते हैं, बॉडी को, बॉडी का बैकग्राउंड देते हैं BACK, बैकग्राउंड कलर देते हैं बॉडी का ब्लैक कलर दे देते हैं बैकग्राउंड, और पैडिंग कर देते हैं
0, then margin, अब हम इसमें डाल देते हैं सेक्शन। अब इसमें सेक्शन, जो हमने सेक्शन क्लास बनाई है उसकी CSS हम उसमें ऐड करते हैं। अभी हम इसको सेव करके दिखाती हूँ मैं आपको कि क्या रिज़ल्ट इससे मिला है। F5 करते हैं तो आप देख सकते हैं अभी सिर्फ बॉडी का कलर गया और इसके अंदर हमने जो भी चीज़ें लिखी थी वो सारी चीज़ें गायब हो गई हैं, क्योंकि टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक था और हमारे बॉडी का कलर भी ब्लैक कर दिया। तो चलिए आगे का हम CSS इसमें डालते हैं। H1 का कलर हम वाइट दे देते हैं क्योंकि हमने बॉडी का कलर ब्लैक दिया है तो हमें वाइट ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर दे सकते हैं। ये तो हम अभी सिर्फ इसकी स्टाइलिंग कर रहे हैं। हम वेट कर देते हैं। दे देते हैं फॉन्ट वेट को। हम चाहते हैं हम इसमें जो भी लिखें H1 टैग के अंदर वो हमें अपर केस में दिखे, तो हम यहाँ पर ये डाल देते हैं अपर केस, देन हमने H1 की भी कर दी है इसके अंदर। इसको सेव करके देखते हैं कि क्या हमारे पास आया है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास डिस्क्रिप्शन जो है वो इस तरीके से। चलिए फ्रेंड्स आगे की स्टाइलिंग करते हैं इसकी। लेट्स स्टार्ट। हमने मोर क्लास बनाई थी, हम इसे डिस्प्ले नन करेंगे। जो हमने डिव क्लास बनाई है पोस्ट के नाम से उसके लिए करते हैं। उसमें जो फॉन्ट कलर है हम उसको कलर दे देते हैं एज, कोई भी कलर आप दे सकते हैं। कलर दे देते हैं हम उसको रेड कलर दे देते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी कलर दे सकते हैं। मैं यहाँ पे रेड कलर ले रही हूँ। देन फॉन्ट साइज 18 पिक्सल्स ले लेते हैं। टेक्स्ट अलाइन हम जस्टिफाई कर देते हैं।
अब मैं इसको सेव करके दिखाती हूँ क्या हमारा इफ़ेक्ट पड़ा है। यहाँ देख सकते हैं जो भी इसका कंटेंट था वो इस टाइप से आया है अभी, ठीक है। चलिए आगे का करते हैं इसकी स्टाइलिंग। हमने यहाँ पे जो अभी हमने यहाँ देखा, हमारे पास कलर नहीं आया, हमने रेड कलर दिया था, इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखा है वो हमें शो नहीं हो रहा, तो वो क्यों नहीं हो रहा, वो आप यहाँ देख सकते हैं। हैज़ मैंने यूज़ कर लिया है, अगर आप हैज़ कलर कोड यूज़ करते हैं तब आपको हैज़ की ज़रूरत पड़ती है, बट यहाँ पर मैंने सिंपल कलर नेम लिखा है तो मुझे यहाँ पर हैज़ की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आपको शो हो रहा है, ओके। अभी आप यहाँ देखेंगे तो चलिए पहले पूरी कोडिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाती हूँ मैं। स्टाइल शीट इसकी कंप्लीट कर लेते हैं। हम थोड़ी सी कोडिंग बटन के लिए कर लेते हैं। आप इसे VS कोड वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। VS कोड में हमें क्या बेनिफिट होता है कि हम सारी चीज़ें हमें टाइप नहीं करनी पड़ती, उसमें कुछ चीज़ें एम्बेडेड होती हैं जो ऑलरेडी हमें मिल जाती हैं। मैंने नोटपैड पे कोडिंग की है अभी, बट क्योंकि मेरे सिस्टम में अभी VS कोड इंस्टॉल्ड नहीं है, बट आप VS कोड या किसी भी ऑनलाइन कंपाइलर पर भी इस कोड को रन कर सकते हैं। देखते हैं कि क्या हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं रीड मोड का बटन बन गया है प्रॉपर, ठीक है। चलिए स्टाइल तो हमने बेसिक ही किया है तो ज़्यादा कुछ इसमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत है नहीं। ओके, अभी आप देख सकते हैं कि मैं रीड मोड पे क्लिक कर रही हूँ तो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। मेरा जो आगे का कंटेंट है ये आपका दिस इज़ रेड इन कलर और दिस इज़ ब्लैक इन कलर, ये हमें यहाँ पर शो नहीं हो रहा है रीड मोड करने के बाद भी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें स्क्रिप्ट लिखनी होगी, जावास्क्रिप्ट लिखनी होगी जो हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ वो स्क्रिप्ट जिसके थ्रू आपका ये कोड जो है वो सक्सेसफुली रन करने लगेगा और आपको रीड मोड और रीड लेस में इशू नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन को हम कॉल करेंगे यहाँ पे।
डॉलर। इसमें जीक्वेरी यूज़ कर रहे हैं, कैसे हमें यूज जीक्वेरी यूज़ करनी है। यहाँ हम रीड, ये जो रीड है ये हमने यहाँ पे बटन की क्लास बनाई है रीड, हमें उस क्लास को यहाँ पर कॉल करना है, तो वो मैंने यहाँ कॉल किया है रीड को। उसके बाद हम इसमें फंक्शन लगाएंगे क्लिक फंक्शन, यहाँ पे हम डॉट्स को बुलाएंगे, डॉट्स को कॉल कर रहे हैं। अब आपको पता चला मैंने यहाँ स्पैन क्लास में डॉट्स क्यों यूज़ किया था, ताकि जब भी दिस फंक्शन, ये हमारा क्लिक फंक्शन कॉल होगा रीड फंक्शन के थ्रू, रीड क्लास के थ्रू, तो ये डॉट जो हमने सिबलिंग क्लास उसकी बनाई है, हमने डॉट क्लास के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हैं वो हमें शो होने लगेंगी। हम यहाँ पे इसका बटन पे भी चेंज करवा देते हैं कि जब हमारे पूरी रीड मोड की क्लास ओपन हो चुकी हो तो हमें रीड लेस शो हो, और जब हमारे पास रीड लेस शो कर रहा है, जब हम उस पर क्लिक करें तो रीड मोड का शो होने लगे। ओके फ्रेंड्स, अपनी स्क्रिप्ट फाइल को क्लोज कर देते हैं। अब इसको सेव करते हैं एंड देन देखते हैं कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ही मैंने रीड मोड पे क्लिक किया ये अभी भी मुझे कोई आउटपुट शो नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए हम चेक करते हैं हमने अपने कोड में क्या गलती करी है। तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर jQuery की एक jQuery का एक लिंक है उसको कॉल करना था जो मैंने नहीं किया है। चलिए यहाँ पर उस लिंक को हम कॉल कर लेते हैं, jQuery CDN को हम कॉल करना है हमें यहाँ पर। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कमेंट के थ्रू कि आपको इजी रहे। यहाँ पे हमें
का सोर्स डालना है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा और यहाँ पर से भी आप लिख सकते हैं। स्क्रिप्ट फाइल को क्लोज कर देते हैं, हम इसको सेव करके देन देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ा है। ओके फ्रेंड्स, अब इसको हम करते हैं दोबारा से। अब आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ही मैंने रीड मोड पे क्लिक किया, यहाँ आपको शो होने लगा है दिस इज रेड इन कलर। ओके, मैं रीड लेस कर रही हूँ, जब रीड मोड पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं रीड लेस लिखा हुआ आता है, और जब रीड मोड क्लिक करती हूँ तो ये इस टाइप से होता है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो ये सक्सेसफुली रन हो रहा है, सक्सेसफुली हमारा बटन बन चुका है। अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसकी CSS और इसको जहाँ भी आप इसको सेट करना चाहें वो सेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको इसमें कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेरी को रेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।